नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। आतिशी ने दिल्ली की सीएम पद की कमान संभाल ली है और केजरीवाल की कुर्सी पर आतिशी नहीं बैठी। आतिशी ऑफिस में पहले ही दिन सबको चौंका दिया, कुर्सी संभालते ही भगवान राम की कहानी सुनाई है। दरअसल दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के कार्यभार संभालने के साथ ही सीएम की कुर्सी को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर आतिशी उस कुर्सी पर नहीं बैठी जिस पर अब तक अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। नई सीएम ने अपने लिए एक दूसरी और छोटी कुर्सी लगाते हुए कहा कि केजरीवाल की कुर्सी उनके लौटने का इंतजार कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी के इस कदम को संविधान के खिलाफ तक बताया। आइए आपको सुनाते हैं आतिशी ने सीएम की कुर्सी पर क्या कुछ कहा है। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊँ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसा और पूछा कि जो लेटर उन्होंने आतिशी को लिखा था क्या अब उसे कोई आत्मा पड़ेगी। मनोज तिवारी ने ये बातचीत में कहा कि खाली कुर्सी को लेकर निशाना साधते हुए कि केजरीवाल कब आएंगे, उन्हें कौन लाएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तो आतिशी जी मुख्यमंत्री पद शपथ ले चुकी हैं। अब अगर वो खाली कुर्सी दिखती है तो सोचिए कितने बड़े सवाल खड़े होंगे। इसका मतलब वो खुद को सर्वभोग्य मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं और जो मुख्यमंत्री होकर भी दूसरों को मानता है तो वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा, संविधान का अनादर कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जैसे मैंने आतिशी जी को ये चिट्ठी लिखी है, क्या हम इसे किसी आत्मा को पढ़वाएंगे, आखिर इसे कौन पढ़ेगा। अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 4 महीने से कोई भी आत्मा नहीं चलाएगी तो हमारी चिट्ठी को आखिर आगे कौन पढ़ने वाला। अब आपको सुनवाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी ने आखिर क्या कहा है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठ रही हैं, मगर ये बहुत ही दुखद एक दृश्य हमको देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री के बगल में खाली कुर्सी रखी गई। अब पता नहीं कोई आत्मा भी चलाएगी दिल्ली को या क्या है, ये हमारी समझ के बाहर है। मैं खाली कुर्सी को देख करके मेरे मन में एक बहुत बड़ा विचार आ रहा है कि ये संविधान का बहुत बड़ा अपमान है। संविधान मुख्यमंत्री के अंदर वो सारी शक्ति देता है जिसको एग्जीक्यूट करना मुख्यमंत्री की सबसे परम सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमारी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को धता बता दिया। भाजपा सांसद ने कहा कि इतने सारे सवालों के बीच में एक मुख्यमंत्री कैसे कह सकता है कि हमारे ऊपर भी कोई है, हम कठपुतली हैं। एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है, उसे तो उन्होंने सच साबित कर दिया। मैंने चिट्ठी में कहा था कि हम आपको पूरा समर्थन देने वाले हैं और 4 महीने में वो आत्मा अब कहाँ बैठ रही है। सुनने में हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि दिल्ली के जख्म पर आतिशी जी नमक छिड़क रही। गौरतलब है कि आतिशी ने केजरीवाल की कुर्सी को खाली रखकर ये कहा कि वो उसी तरह 4 महीने शासन चलाएंगी जिस तरह से भगवान राम ने वनवास जाने पर भरत ने खंडहरू रखकर अयोध्या का कामकाज संभाला था। कथित शराब घोटाले के अंदर जमानत के बाद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन अब कुर्सी को लेकर एक नई जंग जो है दिल्ली में छिड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।